ये कन्या है जिन्हें हम पूज रहे हैं, और ये जो बड़ी कन्या जिसका भी वीडियो वायरल हुआ है, ना जाने इसको क्या हो गया था, इनको एकदम से इतना ज़्यादा शाउट करना शुरू कर दिया पुलिस वालों पे, जो कि बिल्कुल कानून के खिलाफ है। और ऐसा एकदम से क्या हो गया था इनफैक्ट कि इसे इतनी ज़ोर से इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा। अभी मैं रामनवमी की पूजा करके आ ही रहा हूँ, और आगे देखिए वीडियो में। चलो। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखा ना दोनों तो ने? नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में कौन सा? अरे मियाँ बीवी, भाई मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिलावट करवा रहे हो। अगर मैं सीढ़ी पड़ी और पब्लिक सीढ़ी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला कार का प्रोग्राम चला रखा बिना बात। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मास्टर रुक रहे कुछ? मास्टर रुक रहे कुछ? अभी मैं इसको किस कर दूं तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है बिना बात बेवकूफ बना रखा। पूरी दुनिया का बेवकूफ बना रखा। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना। और मैं बोली तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की, और अपने समय कोर्ट में जहां मर्जी दिखाइएगा। चलो। अरे भाई, अरे 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 यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा भागा क्या? वो आगे कह रहा था हम क्या करें? वो आगे चुप के रह दो, साइड में लगाओ। उधर काटो ना, उधर वो इधर तो लगा रहा हूँ। आओ किसने था मैं लेके दिखाई मेरे से चालान? चालान लोगे? लोगे चालान? मास्क नहीं पहना मैंने अपने पति के साथ। मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। सुनो ना भाई, भाई जा और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है। आपका अधिकार नहीं है? अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? अधिकार क्या होता है बताने जरा? आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आप रोको जी, आपका अधिकार है? कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई नहीं, आपका कौन सा कौन से उसके तहत अधिकार है? कितने खड़ा है? ये सारे लोग मरे हुए हैं, ये पुलिस और ये मुख्यमंत्री तुम्हारा चूतिया बना देगा एक दिन। शर्म नहीं आती, डूब के मर जाओ। पुलिस वाले होके बिना बात सुन रहे हो पब्लिक से? मन नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीबी के साथ हूँ। समझ आ रही है? आपको नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही? आपकी गाड़ी रोकी कैसे हमारी? आप मास्क लगा का ही नहीं लगाएंगे लोगों को क्या करोगे? दूर रहे हम, अरे भैया इतना दूर रहेंगे हमको तुम्हारे पास आने की? धुप क्या रोकी हमारी गाड़ी? तो क्यों रोकी? और अगर दम हो ना तो ये वीडियो बिना उसके जानी चाहिए पब्लिक में। दम से क्या मतलब? क्या समझ रहे? ये दम है क्योंकि बेवकूफ बना हुआ है कोरोना के चक्कर। हमारे लोग बिना बात मार रहे हो तुम? हमारे लोग रह गए? हाँ हमारे लोग रह गए। तो आंखों में नहीं आ, कानों में नहीं जाता? नहीं, मेरा पति है ये, मेरा पति है। मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी इसको, क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे हैं तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? कोई नहीं, तुम अधिकार की बात कर रहे थे, बताना जरा तुम्हारा अधिकार क्या? पब्लिक की पब्लिक है गाड़ी में जा रहे हैं? गाड़ी पब्लिक है? मैं कह रहा हूँ पब्लिक है, तो जाओ जो करना है कर लो, ले लो चालान। चलो पब्लिक है तो फिर ना वीडियो बनाओ, ले लो आप। चलो तुम बना लिया हमने, चलो भाई दे दे हमने ना ना कोर्ट में जाएगा चलान। कोर्ट जाएगा इतना तो बनी है, तुम मैं चलान ले लो। कोर्ट जाएगा तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी, चाबी निकाल के देख लो। तुम चाबी हाथ आगे देख लो, तुम चाबी हाथ आगे देख लो। चलो ज्यादा बुला ना लेडीज साहब, सारी परेशान कर रखा तुम्हारा बाप का हृदय से। इधर आइए, बोलो बोलो, पुलिस स्टेशन चल रहे हैं आप, आइए। क्या कर लोगे? तुम शाम तक सारे के सारे रख लो मुझे, और तुम मैं तुम्हारे मुख्यमंत्री तुम्हें चलान लेके दिखा दो, और तुम गाड़ी का हाथ आगे दिखा दो, चाबी का। चलो चलिए लगाइए, चाबी का हाथ लगा तुम लगा के चलाओ। चालान आए बड़े चालान। अरे पुलिस वाले थ्री स्टार, शर्म कर लो, नॉर्मल पब्लिक से सुन रहे हो? क्या सुन रही थी? बोलूंगी नहीं, नौटंकी काट रखी तुमने कोरोना के चक्कर में। लेंगे चालान हमसे आए बड़े भिखमंगे,
मंजन है तेरे घर में नहीं आ रहे समझ रहे। मैं भी एक पुलिस वाले को ला दूं और मेरा बाप भी एक ऐसा ही है। तुम्हें से बात करना क्यों रोकी हमारी गाड़ी? तुमने कोरोना के चक्कर में इतना नौटंकी क्यों कर रखा है? क्यों नहीं भाई आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? मेरी मर्जी क्यों नहीं? मुझे परेशान होती है, मेरी मर्जी की मुझे परेशान होती है। तुम्हारे बाप का देश नहीं है, हमारा भी देश है। क्या हो गया फिर? क्या हो गया मैडम? क्या हो गया फिर? क्या हो गया? अरे यूपीएससी मेन क्लियर कर लिया तो अगर मेरा देर हुई ना तो सुनो, अरे पागल हो क्या? कोई गुलामी है क्या? कोई गुलामी है क्या? मास्क लगा रही है कोई बात है? मास्क नहीं लगा रहे? मैं तो पब्लिक को ना लगाऊंगा, मैं तो यहाँ ना लगाऊंगा। अच्छा तू धीरे बोल रही है, मैंने ना लगाया मास्क। सुनो कर लो तुम चालान, कर लो जाओ मुख्यमंत्री के बाद में जाऊँ वो कर ले चालान मेरा। तो तुम कर लो, कर लो। मैडम इतना क्यों हाइपर हो रहे हो आप? जैसा आप ड्रामा कर रही नहीं चलता, समझ रहे हो? कितने जोर से बोल रहे हैं चालान करके दिखाना, कर रहे हैं करके दिखाना चलो मैडम। और अगर आप गाड़ी के आगे आए तीन बार कह रही हूँ चलो मैडम। भाई गाड़ी हो गई जमा, अरे गाड़ी चाबी उनके निकाल के दे दे। ओ भैया ने भागना चोरी वोरी कर दिया मैंने। चलो चलो आगे वीडियो में देखते हैं हम कि ऐसा क्या हो गया था कि इन्हें ये लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस कर्फ्यू में लोगों को पालन करा रही है, बहुत खतरनाक बीमारी है, पुलिस को भिकमंगा कहना और सब। वो मैंने नहीं कहा, वो उसने कही है, उसकी गलती है और मैं पूरी तरीके से मान रहा हूँ। ये देखिए ये वही पति है जो पहले बीवी का साथ दे, और जब पुलिस की लाठी चली तो अब इनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वो सुर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे वीडियो पर देख कि क्या इस टाइप का, इस तरह का व्यवहार करना पुलिस के साथ जो दिन रात हमारी सेवा में जुटी हुई है, हमें कोरोना से बचाने के लिए हमें आदेश दे रही है, आग्रह कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि कृपया मास्क पहने, अपनी जान की परवाह किए बिना। और कुछ ऐसे अभद्र लोग जिन्होंने इनका अपमान किया, इनके साथ क्या होना चाहिए यह आप डिसाइड करें। दे रहा था और अब पुलिस का साथ दे रहा है तो देखो गलती मान रहे हैं, गलती मान रहे हैं। कर्फ्यू में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ बदतमीजी करने वाले कपल्स में से एक जो आरोपी है पंकज, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले महामारी एक्ट में कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब पब्लिक सर्वेंट के साथ भद्रता करने का जो सेक्शन है वो भी जोड़ा गया। इस वक्त देख पा रहे हैं दरियागंज थाने की पुलिस की कस्टडी में बकायदा जो पंकज है उसको पकड़ा गया है, जबकि जो महिला है उससे पूछताछ की जा रही है। पंकज क्यों बदतमीजी कर रहे थे वीकेंड कर्फ्यू में? वाइफ की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, वाइफ मेरे को गुस्सा दिला रही थी बहुत ज्यादा और मैंने थोड़ा मिसबिहेव कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने। पुलिस कर्फ्यू में लोगों को पालन करा रही है, बहुत खतरनाक बीमारी है, पुलिस को भिकमंगा कहना और सब। वो मैंने नहीं कहा, वो उसने कही है। बीवी तो तेरी है ना बे, उसकी गलती है और मैं पूरी तरीके से मान रहा हूँ गलती है। मान रहे हैं गलती, गलती है ही। लोगों को मैसेज तो देना चाहेंगे ना कि जब पुलिस सड़क पर हो तो। मैंने उसको यही बोला था दिल्ली गेट में, जब लाइट में थे हम, लाइट पर खड़े थे तो मैंने कहा कि मास्क लगा लो। पूरे रास्ते जितने भी बैरियर लगे थे मास्क नहीं लगा रही और ना मेरे को लगाने दे रही। पूरे रास्ते हम गाड़ी में लड़ाई करते आ रहे हैं, मेरे को फ्रेंड को फोन देना था यहाँ पे, फ्रेंड को मास्क न लगाने को लेकर लड़ाई हो रही, लड़ाई हो रही थी। मैं लगाना चाह रहा था, उसको भी लगवाना चाह रहा था। तो आप भी दिख रहे थे पूरा एकदम। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो दिमाग लगाने भी नहीं देती ना। तो अब तो आपके खिलाफ एक्शन हो गया, क्या आम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे फॉलो करना ठीक नहीं? फॉलो करना चाहिए सर, वो तो मैं उसको खुद कह रहा हूँ पहले ही सर। एक जो आप जब मैं उसके साथ नहीं होता हूँ तो मैं मास्क ही लगाता हूँ हमेशा। आप देख पा रहे हैं आप पुलिस का जो है लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील कर रही थी क्योंकि आप ही की सुरक्षा है। लेकिन कल जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ जिसमें पंकज अपनी वाइफ के साथ दिख रहे थे और जिस तरह की अभद्रता की गई उसके बाद अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे आगे की पूछताछ की जाएगी। जबकि जो महिला है उसको भी हिरासत में लिया गया, उसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही जो महिला है उसकी भी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस जो है वो करेगी।